हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक एक खूबसूरत से निटिंग पैटर्न के साथ आई हूँ। ये बहुत ही इजी निटिंग पैटर्न है, बिगनर फ्रेंडली। इसे आप स्वेटर्स में डाल सकते हैं, कार्डिगन में, शॉल में, जेन स्वेटर्स में, जिस भी प्रोजेक्ट में डालेंगे हर प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। आप इसे ओवरऑल किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं या फिर कहीं एक बॉर्डर की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने में ईजी है, बिगनर फ्रेंडली है। चलिए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। ये जो पैटर्न है वो पैटर्न हमें बनाने के लिए जो फंदे मैंने कास्ट ऑन किए वो 4 के मल्टीपल में थे और साथ ही में 2 फंदे एज के एक्स्ट्रा और एक इसे मेंटेन करने के लिए इस डिजाइन को। तो ओवरऑल 4 के मल्टीपल में फंदे डालें प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा और डाल करके बनाएं। ये 4 सिलाइयों में कंप्लीट होने वाला पैटर्न है, कुछ इस तरह से दिखता है। फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखने वाला है पैटर्न और बैक से कुछ ही इस तरह से दिखता है। इस तरह से खूबसूरत पैटर्न दिखने वाला। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट रो, पहला फंदा हमने उतारा, दूसरा फंदा हमने सीधा बुना, ये तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा जो फंदा है कुछ इस तरह से, इन्हें हम पहले 2 फंदे अपने राइट नीडल पे लेंगे इस तरह से नेट वाइज और इसे वापस वापस लेफ्ट नीडल पे चढ़ा देंगे। जब चढ़ाएंगे उसके बाद ये तीनों फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और फिर इन 3 फंदों में से वापस लेंगे। माने हमने 3 घटाए थे और 3 ही यहाँ यार्न ओवर करके बढ़ा दिए। ये पहला रिपीट कंप्लीट हुआ। दोबारा देखिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये जो 2 फंदे हैं आगे वाले इन्हें हम इस तरह से नीडल को इधर से इन करते हुए लेकर आएंगे लेफ्ट राइट नीडल पर और फिर इसे वापस लेफ्ट नीडल पर इन करेंगे और फिर इनको 3 का फिर 3 बनाएंगे, एक नेट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और फिर नेट करेंगे। इजी है, दोबारा से दिखाती हूँ, देखिएगा। ये रिपीट कंप्लीट हुआ है, नया रिपीट है, एक फंदा सीधा, यहाँ से ये 2 फंदों में नीडल इन करेंगे, फिर इस तरह घुमाते हुए इसको वापस चढ़ाएंगे और फिर ये तीनों फंदों को एक बार बनाएंगे, धागा चढ़ाएंगे और बनेंगे। इस तरह करते हुए ये हम कंप्लीट करेंगे अपनी रो। आखिर में दिखाती हूँ क्या करना है। आगे हम अपनी रो के लास्ट में, ये लास्ट पैटर्न है हमारा, इस तरह से चेंज करेंगे, इनका 3 का एक करेंगे, फिर वापस धागा चढ़ाएंगे और ये फिर 3 का 3 बना देंगे। इस तरह करते हुए ये आखिरी 2 फंदे बचते हैं हमारे पास, इसमें आखिरी वाला सीधा बुनेंगे जो हमने एक एक्स्ट्रा डाला था और ये जो हमारा एज का है उसे उल्टा बुनेंगे। इस तरह करते हुए पहली रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो में हमारे सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं। पहला हम एज का उतारेंगे और सारे फंदे उल्टे, कुछ इस तरह करते हो, सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये रो सेकंड कंप्लीट हुई मेरी। रो थर्ड में हमें कुछ इस तरह से बुनना है कि जैसे हमारे चेस में कभी एक प्यादा यहाँ, एक प्यादा मतलब एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ, इसी तरह करना है। तो अब थोड़ा सा चेंज होगा, वो कुछ इस तरह से देखिएगा। पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरे 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा। इसके बाद हमारा पैटर्न शुरू होता है। पैटर्न वैसे ही है, एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये 3 जो फंदे हैं उन्हें हम शिफ्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह करता है। तो पहला फंदा हम अपना उतारेंगे, जैसे उतारते हैं 2 फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे और यहां से रिपीट शुरू करेंगे, एक फंदा सीधा,
तीन का तीन बनाने वाला सिस्टम, एक फंदा सीधा और ये तीन का तीन बनाएंगे। इस तरह से जब करेंगे तो ये रो कंप्लीट करनी है। रो के एंड में कुछ फंदे बचते हैं, वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से तीन का तीन का तरह, ये रो की लास्ट में आ गए हैं और ये लास्ट रिपीट कुछ इस तरह से हम करेंगे। तीन का एक बनाएंगे इस तरह से करते हैं। अभी तीन फंदे हमारे बच जा रहे हैं, 1 2 3, इन्हें नॉर्मल सीधा सीधा बुनेंगे और ये एच का आखिरी हमारा उल्टा। चौथी और आखिरी सिलाई फंदा सीधा उतारेंगे और ये जैसे फंदे जो जैसे थे उन्हें वैसे उल्टे उल्टे बुनेंगे। इस तरह बुनते हो ये रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह कंप्लीट करते हुए मेरी फोर्थ रो कंप्लीट होने वाली है, सारे उल्टे उल्टे फंदे। और ये कुछ इस तरह से खूबसूरत सा नजर आने वाला पैटर्न, इस तरह से दिखने वाला ये पैटर्न है, प्यारा सा। फ्रंट से कुछ ऐसा दिख रहा है और बैक से ये ऐसा। तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डालें। अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो खूबसूरत सा, तो प्लीज़ इन लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड बाय एंड हैव एनीथिंग।